राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के पी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि आपकी जो फाइनल ओपन काउंसलिंग है वो आपकी कल होने वाली है, यानी कि आपकी 31 अगस्त को आपकी जो फाइनल ओपन काउंसलिंग है वो होने वाली है। इसमें जिन भी बच्चों के एडमिशन हो जाते हो गए उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। सो आप अपना भाई ये कि लास्ट चांस आपको एडमिशन के लिए, तो कल आप एडमिशन ले सकते हो। कल आपको क्या है कि आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको अपीयर होना पड़ेगा। आपको आपके डिपार्टमेंट में जाना है, वहां पे सीट का पता करना कि आपकी सीट खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो आपको जैसे पहले काउंसलिंग में आपको अटेंडेंस लगानी होती थी वैसे ही आपको अटेंडेंस लगानी है। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी कैटेगरी, आपके कितने नंबर आए हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है उसके अंदर। फिर उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जिन बच्चों के ज्यादा नंबर है सीट्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन है वो दे दिया जाएगा। तो कल आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, फिजिकली जाना है, लास्ट चांस अगर किसी को एडमिशन लेना है तो। अगर किसी का पहले किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले रखा उसने और वो है कि यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहता है तो वो भी ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपकी कोई मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख देना एडमिशन के टाइम पे कि आई विल सबमिट माय पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 10 days या 7 days, जो भी आपको ठीक लगे। आप 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर सबमिट करवा सकते हो तो वो करवा देना। ओके, तो ये चीज अपडेट देनी थी आज की वीडियो में कि आपकी कल लास्ट ओपन काउंसलिंग है तो भाई डिपार्टमेंट्स में चले जाना और अपना एडमिशन है वो ले लेना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।